वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज कॉर्नर। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आप इस होम रेमेडी को अप्लाई करते हैं या फिर ट्राई करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके फेस से जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं इनको रिमूव करने में ये जो होम रेमेडी है आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स अपने फेस पर हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खास बात इस वीडियो की ये है कि जो मैं ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स रेमेडी है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको घर पे मिलनी चाहिए एंड इस रेमेडी को आप बहुत ज़्यादा इजीली तैयार कर सकते हैं। ये टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, मैंने आधे चम्मच करीबन हल्दी ली है। उसमें मैंने नींबू मिक्स कर रही हूँ। नींबू मैंने आधा नहीं लिया है, आधे से कम मैंने काट करके रख लिया था एंड इसके अंदर मैं मिला दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हल्दी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अगर हमारे स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे ट्रीट करने में हल्दी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा नींबू किसी किसी लोगों को सूट नहीं करता है, तो जिसे अगर नींबू सूट नहीं करता है तो वो नींबू का यूज़ ना करे। मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको नींबू का रस सूट नहीं करता है तो आप दही यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टमाटर का रस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है तो आप इस रेमेडी में कुछ बूंदे आमंड ऑयल की भी मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इवनली स्प्रेड किया है। इस रेमेडी को अप्लाई करने से आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं यानी कि आपके फेस के ऊपर जितने भी काले धब्बे हो रहे हैं उन काले धब्बों को ट्रीट करने में ये रेमेडी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, साथ ही साथ जो नींबू का रस है ये हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपनी उंगलियों की मदद से इसे हमें अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। ध्यान रखें कि इसको अपने आँखों के आसपास बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इसके अंदर नींबू का रस है एंड अगर हमारे आँखों के अंदर नींबू का रस चला गया तो हमारे आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो सकती है, इसलिए इसको अपने आँखों के आसपास ना लगाएं। आप देख सकते हैं बाकी मैंने अपने फेस के ऊपर इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। जो हल्दी होती है ये हमारे स्किन के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छा निखार लेकर के आ जाती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो हल्दी मैंने इस रेमेडी में यूज़ की है, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब मैं 20 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के पहले मैं अपने फेस को कुछ इस तरह से स्क्रब करूँगी जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएं। इस वजह से मैं इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से स्क्रब कर लूँगी, यानी कि इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने हाथों की मदद से इस हल्दी के लेप को हमें निकालना है। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है लेकिन आप लोग देख सकते हैं मेरी जो फेस है वो हल्की हल्का येलोइश दिख रहा है। इस हल्का हल्का जो येलोइश है इसको हटाने के लिए मैंने कोल्ड क्रीम यूज़ की है, डाबर गुलाबरी कोल्ड क्रीम मैंने यूज़ करी है। अगर आप लोग के पास कोई कोल्ड क्रीम नहीं है तो आप सिंपल मलाई यूज़ कर सकते हैं। मलाई को अपने फेस के ऊपर आप लगा लीजिए, लगाने के बाद आप कुछ बूंदे ले लीजिए पानी की एंड मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। हमें अपने फेस की अच्छी तरीके से मसाज करनी है जिससे जितना भी जो हल्दी का पीलापन हमारे स्किन के अंदर जा कर के बैठ गया है वो पूरा का पूरा बाहर आ। इसको अप्लाई करने के बाद फेस वॉश, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे आप अपना फेस को वॉश कर सकते हैं। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी पीलापन नहीं है, आप देख सकते हैं एंड इसने मेरे फेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बनाया है। मुझे ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरी बताई हुई रेमेडी है आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी जो ये रेमेडी है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो या फिर मेरी जो रेमेडी है आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करे बिना कहीं भी नहीं जाइएगा। अलावा मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरी जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही एंड मेरी वीडियो को अपने सारे सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। चलिए गाइस मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।